डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की फर्दर सब क्लासिफिकेशन, सेम चीज जो ऊपर ही है ना, बस इसी का एक ग्राफ ही है, यही है ये कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो अभी रीजन आउट वो करेंगे कि यहाँ पे तो बात करी सिर्फ ब्रॉडली कि ओवरऑल पॉपुलेशन इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब अर्बन रूरल एरियाज में कि रूरल एरियाज में कितना प्राइमरी सेक्टर, कितना सेकेंडरी, कितना टर्शरी। अर्बन एरियाज में ऐसा क्यों कि ज्यादातर टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, वो यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज 59.8% प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अच्छा, वाह, सो मच वैल्यू एडिशन, वो डेटा ही उन्होंने वहां पे कर दिया है। बट मैं कह रहा हूँ कि फिर आप रीज अगर अगर ना वाई, तो वाई वाई का आंसर लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आ जाएगा, आया हुआ था कहीं पे। अर्बन पीपल हैव वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन अटेनमेंट्स एंड स्किल्स। तो ये रीजन ऑब्वियसली यहाँ पे फिट बैठता है कि देयर फॉर टर्शरी सेक्टर इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड देयर स्किल्स। वहां पे स्किल्स नहीं है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में सबसे ज्यादा तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही होता है, तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर। बात समझ आई? कोई डाउट? तो ये समझना जरूरी है कि वाई अपना मतलब दो लाइनें, ज्यादा कहानी ऐसे नहीं लिखना होता उस पर, बट क्रिस्प आंसर सेम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में मेल फीमेल, जो यहाँ पे डेटा ही इसी पे बेस्ड है सारा। अब मेल फीमेल की बात हो रही है तो वो तो डेटा ही है, डेटा पे तो मैं क्या ही बात करूंगा। अगर इन्होंने कोई काम की बात करी है तो ये, हाँ ये हमारा काम की चीज ना ये होगी कि जहाँ पे एज जहाँ रीजनिंग की कोई बात है, जहाँ वो ये परसेंटेज बता रहा है, वो तो ग्राफ भी बता रहा है, वो तो ग्राफ आपके सामने होगा, याद नहीं करना फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में करना। वो तो जितना आप धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर रहे हैं उतने एडवांटेज पे रहेंगे, बट मैं कह रहा हूँ फर्स्ट राउंड में आपके सामने अगर डेटा रख दिया जाए तो क्या कर लोगे? तो उसमें रीजन करना कि ऐसा मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, तो व्हाट डज इट इम्प्लाई। तो ये तो करे ना, ये होगी प्रायोरिटी कि अगर मेरे सामने डेटा रख दिया जाए तो हाँ ठीक है, मैं उसके बारे में चार बातें कर पाऊंगा, सर डेटा वेटा मुझे याद नहीं है। मैं कह रहा हूँ करने की जरूरत भी नहीं है फर्स्ट राउंड में, फिर देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है कैसा क्वेश्चन है। डेटा याद करना आपका काम नहीं है, डेट्स याद करना है, ईयर्स याद करना है, स्कीम्स याद करना है। ये डेटा, अरे डेटा 17-18 का है यार, वहां पे 19-20 का आ गया तो कैसे पता हो सकता है आपको कि 21 में क्या था 20 में, इट इज इम्पॉसिबल। हाँ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपको याद करना है क्योंकि वो चेंज थोड़ी ना हो सकता है, ये कोई लेटेस्ट थोड़ी ना है 1718, तो 1718 में क्यों याद करूं? लेकिन 1947 वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे मैं 2030 में हूँ वो याद करना पड़ेगा। ये लेटेस्ट नहीं है, ये जब बुक छपी थी तब उसके लिए लेटेस्ट डेटा अवेलेबल था। तो ये आपको याद, तो समझ आना कि क्यों याद करना जरूरी नहीं है, इरेलेवेंट है, चेंज होता रहेगा, किसी बुक में हो सकता है 19-20 का हो। तो लॉजिक पे ध्यान देना, लॉजिक पे ध्यान देना। पॉइंट ये तो डेटा हो गया कि मेल कंट्रीब्यूशन क्या है। फीमेल में विमेन वर्कर्स कंसंट्रेशन इज आल्सो वेरी हाई इन द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में ही ज्यादा है सबसे ज्यादा। व्हाई व्हाई इट हैपेंस बिकॉज मेन गेट अपॉर्चुनिटीज इन बोथ सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर्स। ये क्या बात हुई, ये क्या रीजन है? रीजन यहाँ पे आ चुका है ये वाला, लेसर वेमेन आर फाउंड। बस मैं कह रहा हूँ वो रेगुलर को क्या आप दूसरी जगह फिट कर दो, सेम रीजन है एग्जैक्टली। लेसर वेमेन गेट जॉब्स इन द टर्शरी सेक्टर और द इंडस्ट्रियल सेक्टर, व्हाई? लैक ऑफ मोबिलिटी, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स जॉब स्किल्स, दे आर रिलेटिवली अनस्किल्ड एज कंपेयर टू मेन, मेजरली इन रूरल एरियाज, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही रीजन है, रेगुलर सैलरीड और टर्शरी सेक्टर इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं। रेगुलर सैलरीड कहाँ होगी? टर्शरी सेक्टर में ही तो होगी।
सर वहां तो कैजुअल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती है, बट पॉइंट इज कि सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, टर्शरी में, तो प्राइमरी में तो नहीं होंगे ना। तो ये बता रहा हूं मैं आपको कि आपको किस पे फोकस करना है, वाई पे, कि ऐसा क्यों कि फीमेल ज्यादा है प्राइमरी सेक्टर में, तो वो रीजंस है, एजुकेशन एंड स्किल्स एक, और लैक ऑफ मोबिलिटी, तो ये याद रखने हैं। ओनली 17, ठीक है जी, ठीक है, ये तो डेटा है, ये है डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, कोई दिक्कत? वाई पे फोकस करना है, तो जहां भी है ना, बिकॉज ऑफ दिस, एज दिस, ये आपको याद करने वाली चीज है, ये आपको डेटा थोड़ी ना, डेटा नहीं, डेटा सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड में ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी है, कितनी है, वो बाद, इतना पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी है।